चीन के तांग डायनेस्टी की एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने ही हुस्न की कैदी थी। खूबसूरत होने की इतनी बड़ी सजा शायद ही इतिहास में किसी को मिली हो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही जटिल और मायावी से भरी हुई है, इसीलिए कहानी के शब्दों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना और इसी वजह से वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी। पूरी कहानी जरूर सुनना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कर ले ऐसी कहानी सुनने के लिए। 2017 की मूवी लेजेंड ऑफ द डीमन कैट, डायरेक्टर काई जे चेन और IMDb रेटिंग 6.2। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुरानी एक घटना है। एक बार चीन के छांगन क्षेत्र में बसा तांग साम्राज्य के 21वें सम्राट जुआनजोंग के सेनापति युन, उसकी पत्नी चुकिन को तालाब किनारे एक बिल्ला ने उससे खाने को मांगा। पर हैराने की बात है कि वो इंसानों की भाषा में बात कर रहा है। चुकिन डर कर भागी और ऊपर कमरे में पहुंचने से पहले ही वो बिल्ला खिड़की पर बैठा दिखा। फिर उसने चुकिन को पिछले वाले हिस्से में गड़े सोने का ठिकाना बताया और कहा, मैं जल्द दोबारा आऊंगा। चुकिन की आंखें खजाने के लालच से चमक उठी और उस बिल्ला के बताए जगह पर एक घड़ा भरकर सोने का सिक्का निकला। अपने पति सेनापति युन के आते ही उसने उसे भी ये बात बताई। इधर कुछ दिनों से सम्राट जुआंगजोंग की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। ना जाने किस तरह का डर है कि उनके पलके नहीं झपकती। हफ्तों से बस एक टक ऊपर की तरफ देखते रहते। शायद उनपे किसी तरह का साया है। उनके इलाज के लिए जापान से एक बौद्ध शमन यानी तांत्रिक मास्टर कुकाई को बुलाया गया। यहाँ पहुँचने से पहले ही मास्टर कुकाई को अलौकिक शक्ति की मौजूदगी का आभास हो रहा है, पर यहाँ भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। किसी जानवर की तेज हुनकार सुनने के बाद ही राजा ने भय से कराहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तभी एक आकाशवाणी हुई, पुराने कर्ज चुकाए जाएंगे। अब राजवैद्य ने मरने का शेष समय बताते हुए छांगन के 21वें सम्राट को मरा घोषित कर दिया। मृत्यु की वजह बीमारी लिखी गई और मास्टर कुकाई को वहां से चुपचाप चले जाने को कहा, जैसे वो कभी यहां आया ही ना हो। यहां राजा की पल पल की खबर का लेखा जोखा की किताब रख रहा राजभाषा मंत्री लेशियान, जो आगे जाकर इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनेगी, उसे ये बात खटकी। वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है कि कोई भी अधूरी या गलत बात दर्ज न की जाए। इसी सिलसिले में वो मास्टर कुकाई के पास गया क्योंकि उसे राजा की मृत्यु की सही वजह जानना है। मास्टर कुकाई बोला, क्या राजा की कभी कोई पालतू बिल्ली थी? क्योंकि राजा के कक्ष से बिल्ली के काले रंग के बाल मिले हैं। लेशियान बोला, मेरे 3 साल के काम में तो नहीं देखा मैंने। तभी उन्हें बिल्ली के पंजों के निशान भी दिखे और थोड़ी दूर पे एक लकड़ी का तख्ता है जिसपे राजा के बेटे और गद्दी का अगला वारिस लीसोंग का नाम खुदा है, यानी अब अगली बारी उसकी है। दूसरी तरफ सेनापति की पत्नी पूरी तरह उस बिल्ला के मुंह में आ चुकी है और बड़बड़ा रही है कि उसे मछलियां इकट्ठी करनी है, क्योंकि उसने कहा है कि वो जल्द वापस आएगा। अब सुबह लेशियान मास्टर कुकाई के पास गया और बोला, पहरेदारों को मैंने कहते सुना कि सेनापति की पत्नी के पास एक बोलने वाला बिल्ला है। जिसे सुनकर मास्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे इस पे खास यकीन नहीं हुआ। अब शहर में घूमते हुए लेशियान ने कहा, राजा के मरने के बाद अब मैं राजभाषा का काम छोड़ रहा हूँ। मुझे असल में हमेशा से एक कवि बनना था और मेरी ये कविता होने वाली है राजा की प्रेमिका के नाम, जिसके बाद इतिहास में मेरा नाम हो जाएगा। फिर उसने मास्टर कुकाई से पूछा कि वो अब आगे क्या करेंगे। उसने कहा, मैं कुइलोंग मंदिर के मठाधीश ह्यूगो से तांत्रिक विद्या सीखने की इच्छा रखता हूँ, जो कि अभी तक मुमकिन हो नहीं पाया है। सुना है उन्हें अभी तक उनका श्रेष्ठ शिष्य नहीं मिला है और वहाँ सबको जाने की आज्ञा नहीं मिलती। वहीं बाजार में ही एक जादूगर अपने मायाजाल में फंसा कर सबको जादू दिखा रहा है। यहाँ तक कि लेशियान को भी वही नजर आने लगा, मगर मास्टर को फंसाना इतना आसान नहीं। खेल खत्म होने के बाद वो जादूगर मास्टर के पास आया और बोला, तुम मेरे मायाजाल में नहीं फंसे, ये काफी काबिले तारीफ बात है। उसने उसे एक तरबूज दिया। मास्टर उनका शुक्रिया अदा कर आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो तरबूज एक मछली में बदल गया। ये देख कर मास्टर समझ गया कि वो भी आखिरकार जादूगर की माया जाल में फंस गया। उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं। इससे उसे एक बात समझ आई कि जरूर उस बोलने वाला बिल्ला के पीछे भी कोई बड़ा माया जाल है। वो तुरंत सेनापति युन के पास गया, जो उसकी पत्नी को मिले सोने के सिक्कों पे अपने सिपाहियों के साथ एक वैश्याखाने में अय्याशी करने गया है। वहाँ उसकी एक प्रेमिका भी है, ली शियांग, जिससे वो अक्सर वहाँ मिलता है, मगर आज उसकी नजर यूनियान से टकरा गई, जो वही नई नई आई है, और ये बात लीशियांग को बिल्कुल पसंद नहीं आई।
वो गुस्से से भरी अपने कमरे में गई, जहां वो जादू का शिकार हो गई। सुराही खुद ब खुद प्याले में शराब भरने लगी और उस प्याले को उठाकर वो सेनापति युन के पास जाकर बैठ गई। मगर सेनापति युन आज युलियान पर मेहरबान होकर शराब उसे पिला दी। तभी मास्टर को उस बिल्ला के बोलने की आवाज आई। काले साई की तरह वो बिल्ला एक दीवार से दूसरे में कूदते हुए सैनिकों को मारने लगा। डर कर सेनापति अपने घर की ओर उल्टे पांव भागा और यहाँ उस जादुई शराब के प्रभाव से युलियान बेहोश हो गई। अब यहाँ कल रात हुए वारदात की जगह दरोगा पहुँचा। मास्टर कुकाई और लेशियान की जुबानी पूरी घटना सुनी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ये एक बिल्ला का काम है जिसके एक टांग पर चोट लगी है और वो लंगड़ा कर चलता है। दरोगा ने उन्हें आगे महल की सूचना देते हुए कहा, राजगद्दी के अगले वारिस राजकुमार को लकवा मार गया है। मास्टर को अपनी भूसुद्धि के द्वारा इस मायाजाल को तोड़ने का काम सौंपा गया है। पर मास्टर ये नहीं समझ पा रहा कि जब राजकुमार ही उस बिल्ला का निशाना है तो सेनापति पे हमला क्यों किया गया। तब लेशियान बोला, शायद इसीलिए क्योंकि सेनापति का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से राजा की सुरक्षा कर रहे हैं और उसे रास्ते से हटाने का मतलब है राजकुमार को मारना और भी आसान हो जाएगा। फिर मास्टर का ध्यान उस आकाशवाणी पर गया। हमला करने से पहले उस बिल्ला ने कहा था पिछला कर्ज चुकाए जाएंगे। आखिर किस कर्ज की बात कर रहा था वो। यहाँ तो सेनापति युन की रातों की नींद उड़ गई है। उसने पहरा कई गुना बढ़ा दिया मगर आधी रात में काला बिल्ला ने उसके हर चक्रव्यूह को तोड़ दिया। वो अपनी पत्नी को छोड़ खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर वैश्याखाने पहुँचा मगर इस बार उसकी प्रेमिका लीशियांग ने उसे दरवाजे से लौटा दिया। यहाँ युलियान की तबीयत कल रात उस जादुई शराब को पी लेने से खराब है। उसके शरीर में सड़न पैदा हो गई है। इसकी खबर मिलते ही मास्टर सहित लेशियान वहाँ पहुँचा। उसने उसका इलाज तो कर दिया मगर उसने साफ देखा था कि ये शराब लाई तो सेनापति युन के लिए गई थी, वो ही इसका असली शिकार था। तभी उनके वहाँ होने की खबर सुन दौड़ता हुआ सेनापति युन मास्टर के कदमों में गिर गया और अपने घर चलने को कहा क्योंकि वो बिल्ला वही है। जब वो उसके घर गया, घर के अटारी पर सेनापति की पत्नी चुकिन बिना किसी सहारे चल रही है और एक कविता गुनगुना रही है जिसके बोल है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। मास्टर समझ गया कि ये छलावा है। जब अंदर गए तो देखा कि उसकी पत्नी कमरे में आराम से सो रही है। फिर उसने लेशियान से पूछा कि वो किसकी कविता गुनगुना रही थी। उसने बताया मशहूर कवि लीशी की कविता और फिर मास्टर को राजकीय खाता रखने की जगह ले गया। वहाँ उसने एक किताब निकाली। बात 755 शताब्दी की है। राजा ली ने अपनी प्रेमिका के लिए एक आलीशान जश्न रखा था। दूर दराज से लोग इसे देखने पहुँचे। झरनों को शराबों से भर दिया गया और रास्तों में लाखों फूलों की बारिश की गई। वही महान कवि लिशी ने राजा ली की प्रेमिका ब्रह्मांड सुंदरी लेडी यांग के लिए ये कविता लिखी थी। ये कविता खुद लेशियान ने इतनी बार पढ़ी है कि उसे कई बार ख्वाबों में खुद उस जश्न में होने का एहसास हुआ है, जैसे वो खुद लेडी यांग का दीदार कर रहा हो। इस कविता को पढ़ भर लेने से ही कोई भी लेडी यांग की खूबसूरती की झलक पा सकता है। वो इतनी खूबसूरत थी कि पीढ़ियों बाद भी कोई उसे प्यार कर सकता है। फिर मास्टर ने सवाल किया, कवि लेशी की इतनी कविताओं में इसे ही क्यों सेनापति की पत्नी गुनगुना रही थी, ये क्या कोई माया है। इस उलझन का हल ढूंढने वो रास्ते में करतब दिखाने वाले एक जादूगर के पास आया। अगर जानने की इच्छा हो तो ज्ञान हमें कहीं भी मिल सकती है, वो जादूगर बोला। जादू हवा से तो नहीं आता, कुछ होगा तभी नजर आता है। ये बात मास्टर के मन में घर कर गई और उस बिल्ला में उसकी रुचि और बढ़ गई। अब वो सीधा लेशियान के साथ सेनापति युन के घर पहुंचा, जहां वो बिल्ला किसी कारण से बार बार। वहां घर के सामने उन्हें एक विशाल पेड़ दिखा जहां एक औरत उसके नीचे खड़ी है। मगर कल रात तक तो ये पेड़ यहां नहीं था और भला वो औरत ही कौन है। आगे बढ़ते ही वो दृश्य आंखों से ओझल हो गया। घर के अंदर प्रवेश करते ही मानो किसी खंडहर में हो। दीवारों की दरारों से पेड़ की जड़ें और लताएं झूल रही है। ये सब एक माया जाल है, वो बिल्ला हमें छल रहा है और सामने बैठी है सेनापति की पत्नी चुकिन, जो बेशक कोई माया है। उसके मुख से अपना असली नाम जूई सुन लेशियान चौंक गया, क्योंकि लेशियान छंद नाम में रहने वाला एक बड़ा कवि है और राजा ली की प्रेमिका लेडी यांग को लेकर उसकी कविता कब की पूरी हो चुकी है। मगर वो इससे संतुष्ट नहीं है। चुकिन ने कहा, तुम कभी अपनी कविता से संतुष्ट हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कहानी झूठी है। कवि लिशी ने कभी लेडी यांग के लिए कविता लिखी ही नहीं।
वो तो उसे बाद में मिला। लेशिया ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? वो बोली, क्योंकि मैं उस रात उस जश्न में शामिल थी। उसके चलने की चाल को देखते हुए मास्टर ने कहा, ये पैरों में चोट कहाँ से लगी तुम्हें? और बिल्ला समझ गया कि मास्टर उसके मायाजाल में नहीं फंसा, क्योंकि मैं राजा ली का पालतू बिल्ला हूँ। जश्न के बाद जब सेनापति ने बगावत कर दी, मैं हमेशा राजा ली के पास रहा था, मगर उस दिन वो मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गया और उसके आदमियों ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। लेकिन मरना मेरी किस्मत में तब नहीं था, इसीलिए मैं भाग गया। मास्टर ने पूछा, राजा तक तो बात समझ में आती है, मगर तुम सेनापति युन को क्यों मारना चाहते हो? मैं उन सबको मारूंगा जो उस रात शामिल थे मेरी मौत में। सेनापति के पिताजी ने राजा का साथ दिया था इसीलिए। लेशियान ने कहा, मगर उस घटना को 30 साल गुजर चुके हैं और एक बिल्ला इतने साल तो नहीं जी सकता, तो तुम्हें ये शक्तियाँ मिली कैसे? मास्टर को बिल्ला की बातें बहुत पेचीदा लगी, क्योंकि यहाँ वो किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, पता नहीं किस किस के राज वो मन में दबाए बैठा है। फिर मास्टर ने पूछा, सेनापति की पत्नी और लेडी यांग का इससे क्या लेना देना? वो बोला, शायद लेडी यांग की किस्मत मेरी तरह बदनसीब हो, कहकर चुकिन बेहोश हो गई। और फिर अचानक दृश्य बदला, जैसे वो एक माया जाल से दूसरे माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब वो सेनापति की पत्नी चुकिन के कमरे में है, जहाँ उनके बिस्तर के नीचे से एक मरी काली बिल्ली मिली, जिसे चुकिन ने जहर देकर मारा था। इससे पता चलता है कि सेनापति की पत्नी कितनी क्रूर थी और इसीलिए उस मायावी बिल्ला ने उसे चुना। अब दोबारा दृश्य बदला, एक जश्न हो रहा है, सेनापति युन भी यहाँ मौजूद है, मगर अचानक मधुर संगीत डरावने ताल में बदल गया। सेनापति युन ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार डाला और खुद पागल हो गया। मरते हुए चुकिन ने कहा, मुझे जिंदा मत दफनाना, यहाँ बहुत ठंड है। समझना मुश्किल होता जा रहा है कि ये सच था या एक माया जाल। अब मास्टर कुकाई एक एक कर बातों की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उसने मरते वक्त क्यों कहा यहाँ बहुत ठंड है, और बिल्ला ने ऐसा क्यों कहा कि लेडी यांग की किस्मत उसी की तरह बदनसीब थी, बिल्ला को तो जिंदा दफनाया गया था, यानी क्या इसका मतलब लेडी यांग को भी? इतिहास को उलट पलट होता देख लेशियान बौखलाने लगा। बचपन से उसने तो पढ़ा था कि राजा ली और लेडी यांग की प्रेम कहानी अमर है, लेडी यांग को ही उसने अपनी नई कविता का आधार बनाया था। ये दो अलग सदी का प्रेम है, एक कवि और उसकी प्रेरणा के बीच। मगर अब ये सब वो उनके मौत के बारे में क्या सुन रहा है? उसे लेडी यांग के लिए तकलीफ होने लगी और कुछ दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकला। अब मास्टर ही उससे मिलने पहुँचे। लेशियान की हालत बहुत खराब है, उसका दिल टूट चुका है, उसकी पूरी जिंदगी एक छूट बन गई है। जिस पर मास्टर ने कहा, तो तुम्हें भी आखिरकार लेडी यांग से प्रेम हो ही गया, इसीलिए तुम उसका दर्द महसूस कर पा रहे हो। तुम्हें यहाँ तक का रास्ता दिखाकर उस बिल्ला ने तुम्हें सच से रूबरू कराने की कोशिश ही तो की है। देर से ही सही धुंध का छटना जरूरी है। फिर मास्टर ने भी उसे अपना एक सच बताया, मैं कोई महान भूत सिद्धि तांत्रिक नहीं हूँ, वो तो मेरे गुरु थे, मैं एक मामूली बुद्धा हूँ। मेरे गुरु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए उन्हें दोबारा जन्म लेना होगा। उनकी आखिरी इच्छा थी मैं यहाँ चीन आकर तांत्रिक विद्या को ग्रहण करूँ और उसकी शाखाओं को जापान की भूमि तक ले जाऊँ, जो इस जीवन चक्र से मुक्ति दिलाने का एक मार्ग है। अब उस दिन के हादसे में कौन कौन जुड़ा था, उसकी सूची में नाम सामने आया एक जापानी राजदूत अबे नाकामुरो का, जो कभी अपने देश वापिस ही नहीं गया। वो दोनों उसकी विधवा से मिलने पहुँचे। उसने बताया, उनके पास एक डायरी थी, जब उनके मरने का समय हो चला था उन्होंने मुझे उसे जला देने को कहा, लेकिन जिज्ञासा से विवश होकर मैंने वो पढ़ डाली और मालूम हुआ कि मेरे अलावा उनकी जिंदगी में एक और औरत थी, लेकिन वो कभी जान नहीं पाई कि वो जिंदा है या मर गई, उनकी प्रेमिका उन्हें कभी मिल ना सकी। मास्टर ने वो डायरी मांगी ताकि वो उस गुत्थी को सुलझा सके और अबे नाकामुरो की आत्मा को शांति मिल जाए। डायरी पढ़ने पर पता चला कि वो और कोई नहीं लेडी यांग थी। अब वो अबे नाकामुरो की आंखों से इतिहास के उस हिस्से को जी रहे हैं। समय सालों पीछे लौट गया, जिस दिन यह अघटन घटा था। लेडी यांग के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बूढ़े राजा ली ने एक भव्य जन्मदिन की घोषणा की, जहां लेडी यांग की खूबसूरती को सबसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। वही पहली बार अबे नाकामुरो को बेहद खूबसूरत यांग का दीदार हुआ था और खुद को उसके प्यार में पड़ने से रोक ना सका।
ऊपर वाले ने उसे बनाया ही इतना सुंदर और मनोरम है कि देखते ही किसी को भी प्यार हो जाए। लेकिन दुनिया को असलियत नहीं पता थी कि दरअसल वो एक कैदी थी। हाँ, एक कैदी, राजा के अहंकार की कैदी, राजा के जलन की कैदी और सबसे बड़ा अपने हुस्न की कैदी। इसीलिए लेडी यांग को सच्चे और ईमानदार प्यार की तलाश रहती। उसी जश्न में सदी का महान जादूगर, जिसे सब हरे बगुले के नाम से जानते हैं, वो भी मौजूद है। वो एक मायावी, एक बहुत धुरंधर छलिया है, इतना कि कागज को भी बाग में बदल दे। उसके दो शिष्य थे, एक उसका खुद का बेटा और दूसरा गोद लिया हुआ, जिसे श्वेत सारस कहते हैं। वो करतब दिखाते हुए आसमान को छू रहे हैं, कभी इंसान तो कभी सारस में बदल जाते। जब लेडी यांग का श्वेत सारस से सामना हुआ, उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक अलग ही गहराई महसूस की, क्योंकि दोनों ही असल में अनाथ थे। लेडी यांग अपने चाचा के यहाँ पली बड़ी थी। राजा ली को किसी का भी लेडी यांग के लिए तवज्जो देना उसमें ईर्ष्या पैदा करता, क्योंकि उसे खुद भी पता था कि वो उसके लायक नहीं। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि वो उसकी होकर भी उससे परे थी। जो कभी उसकी खूबसूरती पे कविता या गाने लिखता, राजा उसे देश निकाला कर देता। अब जश्न में आए उसकी सेना के सेनापति हीगा ने बगावत कर दी कि उसे लेडी यांग चाहिए। बूढ़े राजा को यांग सहित 100,000 सैनिकों और लोगों के साथ महल छोड़कर जाना पड़ा। इससे राजा ली पहले से ही बौखलाया हुआ तो था, हालात तब और बिगड़ गए जब कुछ दूर जाकर उसके साथ आए सैनिकों ने भी बगावत कर दी कि एक औरत के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देंगे। लेडी यांग को मार कर ये पूरा किस्सा ही खत्म करने और शांति पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन विद्रोहियों ने यांग के भाई को मार डाला और अब उन्हें लेडी यांग का सर चाहिए। तब अबे नाकामोरू ने प्रस्ताव रखा कि वो लेडी यांग को लेकर जापान देश चले जाएंगे, जहां वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसका मतलब होगा राजा ली की जान जोखिम में डालकर जाना। वो यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहती और यहाँ रहकर बच नहीं सकती। फिर जादूगर हरे बगुले ने एक तीसरी तरकीब निकाली। वो एक छल के द्वारा लेडी यांग को दुनिया के सामने मरा साबित कर देगा और जब विद्रोह शांत हो जाएगा, राजा उसे फिर से अब राजा ने फैसला यांग के हाथ में छोड़ा। इसे मानने के अलावा यांग के पास और कोई उपाय नहीं है, और इस बात के साक्षी थे राजा ली, उनका अंगरक्षक यानी सेनापति यून के पिता, जादूगर, उसके दो बेटे और अबे नाकामोरू। जल्द ही जादूगर ने सही जगह सुई चुभ होकर लेडी यांग की सांसें बंद कर दी। दिल में प्यार और आशा के साथ वो एक बार फिर से जागने के लिए सो गई। विद्रोही दल को भी यांग की मौत की तसल्ली हो गई और राजा अपने महल को लौट गया। बाद में लेडी यांग को कमर तक डूबे घने जंगलों से होकर गुजरने वाले रास्तों के अंत में एक पुराने ताबूत में दफन कर दिया गया। यांग को मालूम ही नहीं ये लोग कभी वापस ना आने के लिए उसे ले जा रहे हैं। पीछे छोड़ दी गई राजा का बिल्ला, अब जो कोई भी इस राज का भागीदारी है उसे मार दिया गया। अबे नाकामोरू ने मरने से पहले यहीं तक की कहानी लिखी है। कहानी सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं। वो लेडी यांग के साथ हुए उस धोखे का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। मास्टर ने उस ताबूत तक जाने का फैसला किया, वो इस कहानी का अंत देखना चाहता है। और जब वहाँ पहुँचे तो देखा वो लाश वहाँ नहीं है, पर ताबूत के अंदर नाखूने के निशान थे, यानी लेडी यांग को बाद में होश आया था। तभी वही बिल्ला वहाँ आया और उसने आगे की कहानी बताना शुरू किया। अब विद्रोह शांत होने के 2 दिन बाद जादूगर का बेटा और श्वेत सारस वापस आए, मगर उन्हें आने में देर हो गई। लेडी यांग उस बंद ताबूत में अपनी आखिरी सांसों की लड़ाई लड़कर जा चुकी थी। जादू के प्रभाव में ऐसा लगता जैसे वो सो रही है और अभी बोल पड़ेगी। श्वेत सारस उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं, वो उसे फिर से जिंदा करना चाहता है। आखिर राजा ने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? तब जादूगर के बेटे ने बताया, असल में राजा कभी वापस आने ही नहीं वाला था। उसने राजा और उसके जादूगर पिता को इस चाल के बारे में बातें करते सुना था। राजा ने आखिरकार उस सुगंधित फूल को अपनी जलन, अपने अहंकार के कदमों तले कुचल ही दिया। जादूगर का बेटा बोला, मैं शर्मिंदा हूँ पर बेबस था, क्योंकि वो मेरे पिता थे। दोनों दोस्तों में अनबन हो गई। जादूगर का बेटा वहां से चला गया और पीछे रह गए लेडी यांग का मृत शरीर, श्वेत सारस और राजा का बिल्ला। धीरे धीरे यांग का शरीर सड़ने लगा जादूगर के उस जहर से, जो यांग को ये कहकर पिलाई गई थी कि इससे वो तब तक नहीं उठेगी जब तक राजा उसे वापस जगाने नहीं आता, और वो तो आया ही नहीं।
कोई रास्ता न देख श्वेत सारस ने वो जहर अपने अंदर ले लिया। जल्द ही वो उस जादुई जहर के प्रकोप में आने लगा। दम तोड़ते वक्त केवल वो बिल्ला उनके सामने था और उसकी आत्मा उस बिल्ला में समा गई, यानी वो बिल्ला ही श्वेत सारस है। वो सालों से लेडी यांग के पास बैठा रहा, फिर उसने एक एक कर बदला लेना शुरू किया। अब उसका आखिरी शिकार है जादूगर का बेटा। जैसे लेडी यांग का इंतजार खत्म हुआ और वो इस शरीर से आजाद हो गई, श्वेत सारस को भी अब आजाद हो जाना चाहिए। इसी के लिए मास्टर ने उसी तरबूज के जादूगर का बुलावा भेजा, जो असल में वही जादूगर हरे बगुले का बेटा है। जादूगर के बेटे ने उन्हें सालों पहले हुए उसी जश्न की जगह आने को कहा, जहाँ लेडी यांग और श्वेत सारस पहली बार मिले थे और जहाँ उसने मृत शरीर को आज भी सहज कर रखा है। श्वेत सारस ने ही सही मायने में लेडी यांग से प्यार किया और मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जादूगर के बेटे ने माफी मांगी, उसे हर सजा मंजूर है, लेकिन श्वेत सारस ने अपने दोस्त को माफ कर दिया। मगर अब उसके जाने का वक्त हो चला है, अब उसे लेडी यांग को अपनी यादों से जाने देना होगा और सच कबूलना पड़ेगा कि वो बहुत पहले ही जा चुकी है। श्वेत सारस ने भी वही दम तोड़ दिया और बिल्ला के शरीर से आजाद हो गया। लेशिया ने वही कविता पूरी की, मगर उसने कवि का नाम श्वेत सारस रखा क्योंकि वही इसका सच्ची हकदार है। उसकी भावना से ज्यादा और किसी ने लेडी यांग के लिए नहीं महसूस की होगी। अब इन सब के बाद मास्टर ने जब दूसरी बार कोइलोंग मंदिर का दरवाजा खटखटाया, बौद्धिक तांत्रिक विद्या सीखने के लिए उसे प्रवेश मिल गया। और आश्चर्य की बात है, वहाँ का मठाधीश मास्टर ह्यूगो दरअसल जादूगर का बेटा ही है। अब जल्द ही वो अपने गुरु की अंतिम इच्छा तांत्रिक विद्या को जापान ले जाने में सफल होगा और कहानी यही खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।